तो दोस्तों अभी हो चुकी है मॉर्निंग और हमारे टाइम को सेटअप करते हुए कंप्लीट 13 से 14 घंटे हो चुके हैं। और आप अभी देख सकते हो ये जो इसके पत्ते अभी झड़ने शुरू हो गए, मतलब जो पुराने जो पत्ते ख़राब वाले वो नीचे गिर जाएंगे और हम उनको निकाल लेंगे, फिर नए पत्ते आएंगे और हमारा टाइम बहुत ही खूबसूरत दिखेगा। हे गाइस, वेलकम बैक। और दोस्तों मैं ना यार एक चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हूँ यार। मुझे बिल्कुल भी मतलब समझ में नहीं आ रहा कि यार यहाँ पे हम कौन सी फिश छोड़े, हमारे सेनेगल छोड़े या कोई टेट्रा फिश वगैरह लेके आए और वो यहाँ पे छोड़े। ठीक है, तो आप ही यार मुझे कमेंट्स में बताना, ठीक है। और बहुत सारे भाइयों को सेनेगल फिश पता नहीं है यार। तो ये देखो भाई, ये है हमारी सेनेगल फिश के छोटे छोटे बेबीज। ये देखो भाई, ये बहुत ही ज़्यादा छोटे थे तब से मेरे पास है और अभी इसकी साइज़ देख सकते हो भाई, मेरे हाथ के पंजे जितनी हो गई। तो आज ना दोस्तों मैं पेट शॉप जाने वाला हूँ क्योंकि मुझे पेट शॉप से ही कॉल आया कि भाई आप आ जाओ, ऑस्कर फिश का आपका जो फूड है वो आ चुका है। ठीक है, मतलब हमारे जो ऑस्कर फिश की बेबीज है बहुत ही जल्दी जल्दी बड़े होंगे वो फूड खा के। ठीक है, हे गाइस वेलकम बैक। और दोस्तों मैं अभी पेट शॉप से आ चुका हूँ और पेट शॉप से मैं बहुत ही ज़्यादा क्यूट चीज़ लाया हूँ क्योंकि मुझे बहुत सारे भाइयों के कमेंट्स आ रहे थे कि भाई आप वो चीज़ आपके सेटअप में ऐड करो। तो वो चीज़ क्या है भाई, मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो वो चीज़ है दोस्तों फाइटर फिश। ये देख सकते हो, ये है हमारा द डेजी फिश का न्यू फाइटर फिश का मेल, जो कि मुझे बहुत ही अच्छा लगा, ऐड कर लिया हमारे सेटअप में। देखो यार कितना क्यूट है, इसका कलर ही मुझे बहुत पसंद आया, वाइट और इसमें दो तीन कलर मिक्स है। देखो यार कितना क्यूट है। तो दोस्तों आज हम क्या करने वाले है ध्रुव? हाँ भाई, क्या करना आज है? हमें करना है हमारे न्यू फाइटर फिश का सेटअप। राइट। तो आज हमने जो न्यू फाइटर फिश लाया है उसका सेटअप करना है। सबसे पहले कौन सा टैंक में करने का यार? मैंने तो यही टैंक अच्छे से क्लीन वगैरह किया है तो यही टैंक में कर लेते हैं। ध्रुव का कहना था कि भाई फाइटर फिश न्यू वाला यहाँ पे छोड़ देते, बट यहाँ पे इतना अच्छा नहीं रहेगा यार, दिखेगा भी नहीं यार ध्रुव, किसी की वजह से क्योंकि हाँ। और मुझे मैं क्या बोल रहा, यहाँ पे रहने वाले है हमारे सेनेगल, ठीक है, उनके साथ कोई फिश ऐड कर लेंगे अपन कलर वाली, तो यहाँ पे हमारे सेनेगल ही रहने वाली, वो भी आज अपन छोड़ देंगे। चल अभी फाइटर फिश का सेटअप स्टार्ट कर देते। तो दोस्तों अभी ध्रुव भाई गया है कुछ सैंड लेने के लिए, ठीक है, सैंड जैसे आ जाएंगे हम सैंड इसमें ऐड कर देंगे। और दोस्तों मैं कल पेट शॉप से हमारे कोकाटेल का भी फूड लेके आया, मतलब मिक्स फूड लेके आया, और हमारे ऑस्कर फिश का भी मैं फूड लेके आ गया। तो चलो अभी ऑस्कर फिश को भी फूड देते हैं और हमारे कोकाटेल को भी देते। तो यही फूड लेने के लिए मैं कल गया था और ये हमारे ऑस्कर फिश बहुत ही मज़े से खाएंगे, मुझे पता है। ओ भाई साहब, मुझे अंकल ने जो बोला था भाई सेम उसी की तरह ये खा रहे है। वाओ, बड़े ही शौक से खाते हैं यार ये। तो अंकल बोले थे कि आपके ऑस्कर ये खाने से बहुत जल्दी जल्दी ग्रो भी हो जाएंगे और इनका कलर भी अच्छा आ जाएगा, मतलब डार्क कलर हो जाएगा यार, ऐसे मुझे अंकल बोले थे। क्योंकि दोस्तों अंकल बोले कि ये जो फूड है ना स्पेशली ऑस्कर फिश के लिए है और अंकल ने इसमें कुछ सीक्रेट्स इंग्रेडिएंट्स मिलाए उनके। तो ये देख सकते हो कितने मज़े से भी खा रहे हैं यार हमारे ऑस्कर। और हमारे जो ऑस्कर है बेबी ऑस्कर, ये हाइडिंग प्लेस का प्रॉपर यूज करते हैं यार, ये देखो। और हमारे जो ऑस्कर के जो व्हाइट स्पॉट्स थे तो वो भाई सारे के सारे चले गए। और दोस्तों बाकी फिशेस को ये फूड बिल्कुल भी नहीं चलेगा, फिश जो खा लेगी बट वो डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी अच्छे तरीके से, बट ऑस्कर फिश के लिए परफेक्ट है। तो चलो अभी देते हैं न्यू फूड, मतलब हमारे कॉकटेल और बजिस के लिए भी मैंने न्यू फूड ऐड किया था, मतलब कल लेके आया था पेट शॉप से। तो चलो अभी मैं देता हूँ हमारे बजिस और कॉकटेल को। तो ये देख सकते हो, ये है वो मिक्स फूड जो कि मैं बहुत दिनों से इनको देना चाहता था। ये देखो भाई, इसमें सब तरह का फूड मिक्स होता है। तो अभी देखते हैं यार किसे खाते हैं, इनको बड़ा ही पसंद आएगा क्योंकि इसमें सारी तरीके से इनका जो फूड, मतलब इनको जो नेचुरल में लगता है इनको इस फूड से सारा का सारा मिल जाएगा। तो मैंने ये ऐड कर दिया, अभी थोड़ा नीचे भी डाल देता हूँ। तो यार अभी ध्रुव भाई भी आ चुका है और परफेक्ट, तो इसे धोकर भी लाया भाई, अच्छा हुआ। हाँ सुनना, अभी डायरेक्ट इसमें ऐड कर दे, इसे अच्छे से धोवा के धोना। हाँ, अच्छे से धोवाए भाई, चल डाल दे फिर। ओए वैसा मत डालना भाई, सुन भाई टैंक फूट जाएगा, देख थोड़ा थोड़ा डाल के ये कर, ठीक है ना? तो पूरा मत डाल यार, टैंक फूट जाएगा वैसे तो। अलग ही भाई ध्रुव अभी बड़ी गलती कर देता है यार ध्रुव, क्या यार। तो दोस्तों अभी चल रही है हमारे फाइटर फिश की सेटअप की तैयारी, तो चलो यार जल्दी जल्दी, अभी मुझसे देखा नहीं जा रहा है कब हमारा फाइटर फिश न्यू टैंक में आ जाएगा।
तो दोस्तों अभी यहाँ पे हमने सैंड ऐड कर दिए। ध्रुव अभी पानी भर देते हैं इसमें, पुराना वाटर भरना पड़ेगा ठीक है ना। नया वाटर भरेंगे तो यार पूरे क्षार चिपक जाते हैं यार। चल इतना पानी भर देते। तो दोस्तों अभी हमने यहाँ पे पानी भर लिया है यार। पानी सब खराब हो गया क्योंकि ना हमने इतने अच्छे से ध्रुव ने इतने अच्छे से नहीं धोया है। बहुत अच्छे से भाई, मैंने बहुत बार धुला है। इतना पानी क्यों खराब हो गया यार? क्या पता यार, अभी खराब मतलब मिट्टी थोड़ी देर में बैठ जाएगा ये। ओके ओके, अभी परफेक्ट लग रहा है ना। Perfect. Okay. तो अभी ना दोस्तों जैसे ही पानी थोड़ा बैठ जाएगा, मतलब ये थोड़ा ब्लर सा थोड़ा कम हो जाएगा, फिर हमारा फाइटर फिश यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो दोस्तों अभी मैंने यहाँ पे स्पॉन्ज फिल्टर ऐड कर दिया है। स्पॉन्ज फिल्टर अभी उसका काम 10-15 मिनट में कर देगा, ये जितना भी ब्लर पानी है सब क्लीन कर देगा, मुझे पक्का भरोसा है स्पॉन्ज फिल्टर पे। ध्रुव क्या कर रहा है भाई? भाई फ्रूट्स काट रहा हूँ। अच्छा अच्छा, तो हमारे गिनी पिग्स, हमारे लिली और हमारे स्नो और ब्लैकी के लिए अभी उनका खाना बन रहा है। तो दोस्तों अभी जस्ट मैं ऊपर आया और यहाँ पे देखा कि भाई हमारा पूरा का पूरा वाटर ग्रीन हो चुका है। और पता नहीं यार ये जो मनी प्लांट है देखो भाई येल्लो येल्लो से हो गया है, पता नहीं क्यों। बट अभी इसकी हमें कुछ ट्रीटमेंट वगैरह करनी होगी, मतलब इसे थोड़ा बहुत धूप से बचाना होगा। मुझे तो ऐसा लगता है ना कि बारिश की बूंदों की वजह से ये येल्लो पड़ गया है। अभी हमारा ये सेटअप इतना मतलब पूरा का पूरा वाटर इतना ग्रीन हो चुका है कि भाई यहाँ से हमारी फिश भी नहीं दिख रही यार। देखो यहाँ पे हमारी जो ब्लैक और वाइट बल्ब मौली है तो बिल्कुल भी नहीं दिख रही यार वो। तो इसका भी हमें कुछ करना होगा, मतलब जल्दी से जल्दी कुछ करना होगा यार। ग्रीन वाटर हमें निकालना होगा और ये हमारे ये प्लांट्स भी निकाल लेंगे। बाकी ये सब ठीक है, सिर्फ ऊपर की 2-3 जो पत्तियाँ हैं ना ये थोड़ी येल्लो पड़ गई है, बाकी सब ग्रीन है। अच्छा सा फैल भी रहा है अभी प्रॉपर सा। और मैंने यहाँ पे एक प्लांट्स लगाया था वाटर प्लांट, तो ये भी देखो भाई इसके पत्ते अभी निकलने स्टार्ट हो गए, मतलब ये थोड़े दिनों के बाद ये वैसा पूरा फैल जाएगा। और यहाँ पे मैंने कुछ बिल्ड मॉली की जो बेबीज़ थे हमारे पिछले हफ्ते ब्रीड हुई थी, तो मैंने बेबीज़ यहीं पे रहने दिए थे, थोड़े बड़े थे तो मैंने सोचा कि इनको यहीं पे रहने देते। तो ये भी यहाँ पे ठीक ठाक है यार। ये देखो न्यू बेबीज़ भी मुझे दिख रहे हैं यहाँ पे। तो अभी मुझे ध्रुव को जल्दी से जल्दी बुला कर ये भी हमें कैच करने होंगे। ये देखो भाई यहाँ पे कुछ मुझे न्यू बेबीज़ भी दिख रहे। ध्रुव सुनना भाई, अरे ऊपर बलून मॉली है। हाँ बराबर, तू वहाँ पे न्यू बेबीज देखे क्या तूने? अरे भाई मैंने वो सुबह ही देख ली थी, वो न्यू बेबीज नहीं हमारे पुराने ही बेबीज है। पुराने बेबीज है क्या? पुराने। और वहाँ का वाटर पूरा ग्रीन हो चुका है यार। और ग्रीन हो चुका है। हाँ फिर रहने देते ना, ग्रीन उनके लिए अच्छा होता है वो ग्रोथ के लिए। और नहीं मेरा मानना था कि उसको चेंज कर लेते यार, अगर ज्यादा अगर खराब हो गया हो ना तो फिर चेंज करेंगे। हाँ मुझे वैसे तो फ्रेश ही लग रहा है अभी। हाँ ठीक है रहने देते ना, ग्रीन के लिए अच्छा होता है। चलेगा चलेगा। तो दोस्तों अभी हमारे लिली का भी खाना बन चुका है। चल लिली, आज लिली को दिया है दोस्तों मैंने एप्पल और कुछ फ्रूट्स। चलो लिली आ जा 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 जा, अभी हमारी लिली बहुत ही मजे से खाएगी यार। चलो आ जा 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 आ जा 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 जा। तो दोस्तों ये क्या करते हैं, ये यहाँ से उठाकर सीधा ना इधर उधर भाग जाते हैं, मतलब ये एक दूसरे से मतलब एक दूसरे को ये शेयर नहीं करना चाहते। ये देखो भाई उसने एक पकड़ लिया, उसने एक पकड़ लिया, उसने एक पकड़ लिया, पता नहीं यार ऐसे क्यों करते यार ये। और हमारे लिली भाई सारे बेबीज को अच्छे से फीड भी करती, उनको सिखाती भी ऐसे ऐसे खाना है। खा ले भाई। ओके खा ले। चलो भाई तू भी आ जा, ये मटके में ही घुसा रहता है। चल आ जा भाई। और बाकी का मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। तो ये अभी हमारा जाएगा स्नो और ब्लैकी के लिए। चलो स्नो ब्लैकी आ जाओ खा लो। ओए ध्रुव, स्नो को यहाँ पे क्या हो गया यार? ये देख यहाँ पे कुछ लग रहा है क्या? मुझे लग रहा है वो ब्लैकी ने उसके कुछ तो ये किया, मतलब ये आगे जाके ना थोड़े झड़ गए बाल लेते। कुछ नहीं भाई वो मस्ती में हो जाता, मस्ती करते हैं दोनों।
तो ना दोस्तों हमारे जो रैबिट्स है स्नो और ब्लैक ने अभी आगे से भी सुरंग करना स्टार्ट कर दिए, मतलब हमने इनका न्यू होम यहाँ पे तो ऐड कर दिया बट उन्होंने अभी नीचे से उनका घर बनाना स्टार्ट कर दिया। तो ध्रुव और मेरा प्लानिंग ऐसा हुआ कि वहाँ पे हम पूरा मिट्टी लगा देंगे यहाँ पे, मतलब ये पूरा सुरंग कर सके ठीक है, और हमारे स्नो और ब्लैक फिर जल्दी जल्दी बेबीज भी देंगे। भाई तेरा आइडिया तो अच्छा है यार ये। हाँ मैंने बताया था तुझे पहले। फिर हमें मिट्टी लानी होगी ध्रुव यार, बहुत सारी मिट्टी लानी होगी, बहुत सारी लगेगी। यहाँ पे ऐसा पहाड़ जैसा कर देंगे हम पूरा, फिर आराम से सुरंग कर सकते हैं वहाँ पे। ओके तो दोस्तों मैंने अभी यहाँ से स्पंज फिल्टर वगैरह निकल लिया है और अभी देख सकते हैं पॉटर अच्छा हो गया, मतलब पहले से काफ़ी ज़्यादा बेहतर हो चुका है। तो अभी मैं क्या करता हूँ यहाँ पे हमारा जो फाइटर फिश है न्यू वाला मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। तो ये देख सकते हैं दोस्तों मैंने यहाँ पे हमारा न्यू वाला फाइटर ऐड कर दिया और ये देखो यार कितना खूबसूरत दिख रहा है ये लच्ची। हे बड़ी हेलो द डिजी फिश में आपका वेलकम है यार, कितना क्यूट है यार। इसका मुझे कलर बहुत ही अच्छा लगा क्योंकि यार मैंने इतना अच्छा वाइट कलर नहीं देखा था यार फाइटर में। हे भाई अभी थोड़ा स्ट्रेस में है ठीक है ना, अभी मैं इसका लाइट्स वगैरह सब ऑफ कर दूंगा और इसे हम शाम को फीड करेंगे ठीक है। यार कितना क्यूट है यार ये, इसका कलर पैटर्न और इसमें ना यार मिक्स कलर कितने सारे देखो ना, और प्लैटिनम कलर में यार ये। अभी तो इसका असली वाला जो ये है ना ये अभी कलर इसने नहीं दिखा क्योंकि ये स्ट्रेस में, ये जब स्ट्रेस फ्री हो जाएगा यहाँ पे कंफर्टेबल हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा चमकेगा भाई यहाँ पे। तो ठीक है दोस्तों आज के वीडियो में हमने किया हमारे न्यू वाले फाइटर फिश का वेलकम और उसका टैंक भी हमने सेट कर दिया। तो ठीक है दोस्तों अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो को लाइक करो शेयर करो सब्सक्राइब करो, चलते हैं।